हाय, सो पंजाब का फॉर्म भरते हुए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस साल और फ्यूचर के बच्चों के लिए भी, वो है पंजाब स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी, जो कि बहुत लुक्रेटिव है। स्पेशली अब जब पंजाब में एक और मेडिकल कॉलेज बढ़ गया है सरकारी, और हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीस काफ़ी रीजनेबल है इन टर्म्स बिकॉज ऑफ क्लोज स्टेट। सो जो एक क्वेश्चन हमारे मेरे कई बार उसमें आ रहा था फ़ोन पे, मैंने कहा सबके लिए मैं आंसर कर दूँ। देर आर मेनी कैटेगरीज जिसमें आपको डोमिसाइल मिल सकता है, और सबसे आसान और सबसे प्रोमिनेंट है अगर आपने 11th 12th पंजाब से करी है। सो इमेजिन कीजिए, आप हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, पूरे इंडिया में कहीं के भी बच्चे हैं, लेकिन आपने 11th 12th दिल्ली से, पंजाब से कर ली, मतलब प्रॉपर आपका जो स्कूल का एड्रेस है वो पंजाब होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो आपको पंजाब का डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और इस केस में आपको कोई अलग से वो बोनाफाइड रजिस्टर्स नहीं बनाना है। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो दो ऑप्शन देते हैं। उन दो ऑप्शन का यही फायदा है, आपका बोनाफाइड रजिस्टर्ड स्टेट अगर पंजाब नहीं भी है, लेकिन आपका 11th 12th की जो स्कूलिंग है वो अगर पंजाब से है, तो आप देखेंगे कि आपको जिसे कहते हैं ना कि मिल जाएगा, आपको जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा पंजाब में ना रहने का। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर हम किसी भी स्टेट में, इंडिया के मान के चलिए, किसी भी स्टेट के हम रहने वाले हैं, और हमारा जो 11th 12th है वो अगर आपने पंजाब के स्कूल से करी है, तो भी आपको पंजाब में रिजर्वेशन मिल जाएगी। हाँ, अगर ये आपने नहीं करी है तो आपको नहीं मिलेगी, राइट। सो 11th 12th अगर आपने पंजाब से कर ली है, तो पंजाब में आपका काम हो गया, आपको किसी और रेजिडेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। अब इस ऑप्शन के अलावा आपको और जो वेरियस पैरामीटर्स हैं, मैं समझाता हूँ कि अगर आपने पंजाब में 5 साल स्कूलिंग करी है, अलग हो गया, क्योंकि देखिए 11th 12th की मार्कशीट तो आप अपलोड भी कर रहे हैं, उसमें स्कूल का एड्रेस आ जाता है। अब ये वो बच्चा हो गया जिसने क्लास 4 से क्लास 8 तक पढ़ाई की थी, चाहे वो पंजाब का था या नहीं था, दैट मीन्स बच्चा पंजाब में 5 साल था, 4 to 8, बहुत पहले, तो भी उसको माना जाएगा। लेकिन इस केस में उसको वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और ये जो सर्टिफिकेट है इट कैन बी इशूड बाई दी जिस स्कूल में उसने पढ़ाई करी थी वो 5 साल, तो वो सेम सर्टिफिकेट वो लोग भी दे सकते हैं और आप उसके अंदर आ जाओगे, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। सो बोनाफाइड रेजिडेंस का जो बोनाफाइड रेजिडेंस का सर्टिफिकेट वो भी इशू कर सकते हैं जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल थे। अब इसके अलावा फिर तो दो क्लियर हो गया, ये हो गया स्कूल की पढ़ाई, आपके पेरेंट्स पंजाब के हैं नहीं है, कुछ है कि नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि 11th 12th में तो बहुत सिंपल है, आपने स्कूल में पढ़ाई करी ली है, आपको वो अलग से जो पंजाब रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो कि SDM वगैरह बनाता है वो नहीं बनवाना। अब जो सब पहले वो बता दूँ, सबसे आसान जो जुगाड़ है, जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अगर बच्चे या बच्चे के पेरेंट्स के पास 5 साल से पुरानी प्रॉपर्टी है पंजाब में, तो आपको भी ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये तहसीलदार, कमिश्नर, कॉरपोरेशन, इनमें से कोई एक इशू करते हैं। और तो अब इमेजिन कीजिए, आपका कोई पंजाब से लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमने मोहाली में, जीरकपुर में फ्लैट लेके डाल लिया, ठीक है। तो अगर आज आपने फ्लैट लिया, तो 5-7 साल बाद अगर आपका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा पंजाब के स्टेट कोटा का। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अगर आप मोहाली या जीरकपुर में एक फ्लैट भी ले लें बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स के नाम पे, तो भी आपको स्टेट कोटा मिल जाएगा। ये सबसे उन्होंने एक आसान रास्ता दिखा रखा है एनीबडी अक्रॉस इंडिया जिसको कि ये सर्टिफिकेट चाहिए। ऑफ कोर्स लोग जो पंजाब में पैदा होते हैं उनके पास तो ये है ही, चाहे उन्होंने पढ़ाई करी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, बट एनीबडी हु हैज़ बीन बॉर्न इन पंजाब, उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये सबसे कॉमन हो गया जी। इसके अलावा हम ऊपर से दोबारा चले, जैसा मैंने कहा कि एक वो तो रास्ता था ही, उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट पोस्टेड आउटसाइड पंजाब स्टेट और वर्किंग ऑन डेपुटेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ सर्विस, उनको भी ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनके HOD से। एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पंजाब गवर्नमेंट, बाकी सारे वही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो सबसे आसान है,
वो है कि आपने 11 ट्वेल्थ की आपकी पढ़ाई, और इसके अलावा और इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं भी है खुद की, लेकिन आप वही बात है कि 5 साल से ज़्यादा चिल्ड्रन या आपके पेरेंट, तो अगर आप वो साबित कर दें कि जो बच्चे का पेरेंट है वो पंजाब में रह रहे हैं 5 साल से ज़्यादा, ऑफकोर्स सेम हो गया, मतलब आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, आप किराए पे भी रह रहे हो तो भी चल जाएगा अगर आप ये साबित कर दो। तो देखिए, किराए पे रहने में आपको साबित करना पड़ेगा कि आप पंजाब में रहते थे, प्रॉपर्टी ओनरशिप में आप दिल्ली में रहते हो, इन एंड आउट दिल्ली में, बस प्रॉपर्टी कागज होने चाहिए पंजाब एड्रेस के, आपको मिल जाएगा। लेकिन किराए पे रहने के केस में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 5 साल एक्चुअली पंजाब में थे, तो जो भी तहसीलदार या डीसी आपको चेक करेंगे पेपर्स को, तो वो कहेंगे कि यहाँ पे 5 साल का बिजली का बिल या कुछ भी ऐसा प्रूफ लाइए जिससे साबित हो कि आप 5 साल में कम से कम रह रहे हो, राइट, मतलब 5 साल टोटल रहे हो आप पंजाब में, तो भी आप इसके लिए हो जाओगे। सो अदर देन तो वही है कि पंजाब के एम्प्लॉई अंदर बाहर, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि कभी भी 5 साल बच्चे ने पंजाब में स्कूलिंग करी हो, चाहे पेरेंट्स पंजाब में हो ना हो, 11th 12th कर दी बहुत आसान हो गया, 5 साल बच्चा या पेरेंट्स पंजाब में रह रहे थे जिसका प्रूफ दिखा दिया हमने कि भाई मैं पंजाब में 5 साल था, और मैं कहा इसमें कुछ भी एक चलता है, बच्चा हो चाहे उसके पेरेंट्स हो, और सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे आसान फोर्थ कि आपके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो 5 साल से पुरानी, तो 2021 की बात है, तो जो उसकी खरीदी है आपकी वो 2014 से पहले की होनी चाहिए। तो ये सब आपके पास अगर है तो आपको कोटा मिल सकता है, और जैसा मैंने कहा 11th 12th क्योंकि हम दे ही रहे हैं, हम चढ़ा ही रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई अलग से वो नहीं चाहिए, एक आपका बस एक तरह से अंडरटेकिंग होगी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे पास 2 साल पढ़ाई करी है इसने, और वही चल जाएगा, आपको अलग से प्रॉपर रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केसेस में। ओके, सो आशा है कि इससे आपको हेल्प हुई होगी, धन्यवाद।